पेट के लिए कूला छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप असम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं, उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। असम समझौता करकर असम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया। हमने बोडोलैंड का समझौता किया, सारे वादे 2 साल के अंदर समाप्त कर दिए। और मित्रों, गेंडों को मारने का अब पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला था। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गेंडों को सुरक्षित करकर असम के टूरिज्म को सुरक्षित किया, और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, सत्रों की भूमि जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, असम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, सत्रों की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, असम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्षों तक लड़ा, मुगलों को पराजित किया, और लसित बोरफुकन के लिए असम सरकार ने कुछ नहीं किया था। सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में नरेंद्र मोदी आए या हेमंत जी आए, लसित का गगनचुंबी पुतला बनाकर वो वीर पुत्र को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सिर्फ असमिया में नहीं, भारत की 23 भाषाओं में लसित बोरफुकन की कथाएं बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम भारत ने किया। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, असम के अंदर मोदी जी के 10 साल विकास के 10 साल रहे हैं। असम के अंदर मोदी जी के 10 साल के अंदर अनेक शांति समझौते हुए, विकास का काम हुआ। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, असम आने वाले दिनों में देश के बाकी राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाई और बहनों, मुझे एक बात बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। मोदी जी के समय में ही जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ, और 22 जनवरी को रामलला को अपने भव्य मंदिर में प्रस्थापित करने का काम भी हो गया। और मित्रों, पहली बार 500 साल के बाद रामलला रामनवमी के दिन अपने भव्य मंदिर में बैठे थे, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने का काम किया है।